डंडई प्रखंड से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुत्र की दीर्घायु जीवित पुत्री का व्रत श्रद्धा भक्ति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डंडई मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुत्र की दीर्घायु एवं कल्याण का पर्व जीविता पुत्रिका व्रत जीवतिया बुधवार को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार को व्रती महिलाओं ने नहाए खाए अनुष्ठान के साथ इस महान लोक पर्व का प्रारंभ किया। जीविता पुत्रिका व्रत यानी जीतिया व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को रखती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। महिलाओं द्वारा जीतिया पर्व के देवता जीतवाहन को खीरा मिश्री का प्रसाद चढ़ाकर तथा 24 घंटे का निर्जला उपवास कर व्रत रखा गया। गुरुवार को इस पर्व का पारण पूरे नियम के साथ होगा। इस पर्व को लेकर बुधवार को बाजारों में चहल पहल रही। महिलाओं द्वारा सब्जियां और फल की जमकर खरीदारी की गई। जीते पर्व के अवसर पर विभिन्न मंदिरों व घरों में महिलाओं ने सामूहिक पूजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने ईश्वर से संतान की लंबी आयु व हर दुख बाधा से बचाने एवं परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद ने व्रती महिलाओं ने समक्ष पर्व की कथा का श्रवण कराया। महिलाएं मौके पर फूलवंती देवी, किस्मा देवी, संजू देवी, रानी देवी, मंती देवी, सविता देवी, प्रभा देवी, भिवनी देवी, पूनम देवी, बरती देवी, शिलवंती देवी आदि मौजूद थे। Bye-bye.